बदनावर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की है। इस दौरान प्रदीप मिश्रा ने कोटेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला बनवाने के लिए 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की। हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने कहा कि देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, सबके साथ समानता का व्यवहार करना ही सच्चा सनातन धर्म है। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि हमें अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं उन्होंने लोगों को नशा करने की बजाय भगवान पर भरोसा करने की बात कही। भारत पहले से भी हिंदू राष्ट्र है। समाज और धर्म के नाम पर जो पहले कट गया, टूट गया और जो अलग हो गया वो चले गया, परंतु उसके बाद जो बचा हुआ है वो हिंदू राष्ट्र ही तो है। हमारा पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, जिसके प्रति समर्पण का भाव हो, जिसके हृदय में एक दूसरे के प्रति आनंद का भाव हो कि भाई दूसरे को देखकर अगर वो दुखी है तो हम दुखी हो रहे हैं, वो सुखी है तो हम सुखी हो रहे हैं। जहाँ पर ये भाव निर्मित होते हैं वो हमारा हिंदू राष्ट्र ही कहलाता है। लोग शिव जी को कहते हैं कि ये गंजेड़ी है, ये भंगेड़ी है, और उनके व्यसन को लोग मान कर कि ये ही भगवान शंकर का प्रसाद है। मेरा इतना सा कहना है कि आप अन्य नशों की जगह भगवत भजन के नशे में धर्मांतरण के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि दूसरी पत्तल पर जाकर भोजन करने से अच्छा है अपना भोजन अपन स्वयं पाएं।